आप आंसर निकाल दो, जल्दी से आंसर कर दो, आप फटाफट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। और आपको तो मालूम है क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएगी, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस आएंगे कंपनी के, और फटाफट से आप इसको खत्म करो जल्दी से। लो मैं ये रख देता हूँ यहाँ पे, और आप बनाओ और बना के आप देखो फटाफट जल्दी से। और मुझसे पहले कुछ बच्चों ने बना भी दिया होगा, आप लोगों ने बना दिया होगा। लो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं थोड़ा बड़ा और खुल के बना लेता हूं इस बार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से नेचर का अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के अंदर डेबिट ऑन द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑन द इनकम। आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट ऑन द एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑन द इनकम होता था, वो भी नॉमिनल अकाउंट था। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, बस फर्क इतना है उसमें हम नेट प्रॉफिट निकालते थे और इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, बस इतना ही फर्क। लो फटाफट से जल्दी से आप करो, 5 मिनट जल्दी से आप करो। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, हमें कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट? 5 लाख। बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। या हमेशा नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा बिफोर एप्रोप्रिएशन। यहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? बिफोर एप्रोप्रिएशन, इट विल बी बिफोर एप्रोप्रिएशन नॉट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले आया नेट प्रॉफिट कितना? ₹5। आ जाओ इसके बाद सबसे पहला एग्रीमेंट क्या था? टू गिव आईओसी। तो चलो सबसे पहला हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन। यार मेरी रेटिंग बहुत गंदी है, आप मेरी रेटिंग में मत जाना। अगर आप मेरी रेटिंग पे जाओगे तो फिर बहुत नाराज हो जाओगे। आप मेरी रेटिंग पे मत जाना, आप तो जानते हो जो मेरे पास शुरू से पढ़ रहे हैं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप फिक्र नहीं करना। आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले देते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट, फिर बी इज कैपिटल अकाउंट, फिर सी इज कैपिटल अकाउंट। आओ तीनों को हम देते हैं आईओसी। वो देखो ए की कैपिटल कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर अगर हम देंगे 10% तो कितना हो जाएगा? सर ये कैसे निकालते हो? मैं दिखा देता हूं, ये देखो 10 लाख, इसके ऊपर 10%, तो कितना आ गया? 1 लाख। 10 लाख का 10% कितना हो गया? ए कैपिटल का 1 लाख। सर बी की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल है 8 लाख। 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा? आप कर दो फटाफट, आपने तो कर भी दिया होगा, आपने तो कर भी दिया होगा। 8 लाख का कितना हो गया? 80,000। और ऐसे ही इसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। तो ये टोटल कितना हो गया आईओसी? 2 लाख, 2 लाख। चलो ये हो गया हमारे पास टोटल आईओसी 2 लाख। उसके बाद सर उसके बाद आईओडी, आईओडी दे देंगे आईओड। अरे नहीं बेटा, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द कंपनी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कहां पे देंगे? यहां बाय इंटरेस्ट। भूल तो नहीं गए, 11th क्लास में पढ़ा था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी की इनकम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का एक्सपेंस है, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते हैं, कितनी ड्रॉइंग है इसकी? 2 लाख। तो 2 लाख का 6% कितना हो गया? आओ या लिखते हैं इज कैपिटल अकाउंट, ये हम चार्ज करेंगे, दिस वी आर गोइंग टू चार्ज देन। ए को हमने चार्ज किया कितना? 2 लाख का 6% कितना आ गया? ये हो गया 12,000। फिर बी को देते हैं बी इज कैपिटल अकाउंट। आ जाओ बी की ड्रॉइंग कितनी है? बी की ड्रॉइंग है 1 लाख। 1 लाख का 6% हो गया 6,000। सी की ड्रॉइंग कितनी है? सी की ड्रॉइंग भी है 1 लाख। 1 लाख का हो गया 6%, यानी 12 से 18 से ये कितना हो गया हमारे पास? 24,000, 24,000। लो जी ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखते हैं हम सैलरी की बात। अब सैलरी तो हमें मालूम है एक्सपेंस है, पार्टनर को देनी पड़ेगी सैलरी अकाउंट। ये दिया हमने एज कैपिटल अकाउंट, फिर हमने सैलरी दी बी को, बी इज कैपिटल अकाउंट। सर ए की सैलरी 30,000 है और बी की सैलरी कितनी है? सर 20,000। बहुत होशियार बच्चे हो आप, ये हो गया कितना? 50,000। लो
ये दे दिया हमने सैलरी अकाउंट के अंदर, दोनों पार्टनर्स को हमने सैलरी दे दी। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है जनरल रिजर्व, दे एग्री टू ट्रांसफर सम मनी टू जनरल रिजर्व, कितना 50,000। चलो ये भी हो गया, दे एग्री टू गिव 50,000, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, बैलेंस प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1:1, कितना आया बैलेंस प्रॉफिट, आओ देखें फटाफट जल्दी से, यहां लिखता हूं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करना है हमारे को, एक तो हमारे पास ए, ए इज कैपिटल अकाउंट, दूसरा है हमारे पास बी, बी इज कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है हमारे पास सी इज कैपिटल अकाउंट। आओ इन तीनों को बैलेंस में ट्रांसफर करना है, तो कितना कितना बचा, दिस इज टोटल 5,24,000, क्रेडिट साइड को अगर हम क्लोज करें इट इज 5,24,000, यह है 5,24,000। और इसको देखें हम कितना हमारे पास बचा, क्या हमारा बैलेंस टोटल कर रहा है, ये हो गया हमारे पास 2,50,000+50, 3,00,000। अगर 3,00,000 हमारे पास निकल गया तो कितना बचा, ये बच गया 2,24,000। और ये 2,24,000 कौन सी रेशियो में बटेगा, ये बटेगा 2:1:1, मींस इसको कितना पैसा मिलेगा, इसे मिलेगा 2,24,000 का 2/4, इसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा 2,24,000 का 1/4, और इसे कितना मिलेगा 2,24,000 का फिर 1/4। तो सर कितना पैसा हो गया, ये इसे मिला 1,12,000, 1,12,000, ये हो गया 1,12,000, और इन दोनों को मिलेगा 56,000, और इसे भी मिलेगा 56,000। हो गया अकाउंट खत्म, बहुत छोटा सा अकाउंट है, कुछ नहीं है इसमें, पूरी क्लास 12 के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ना। अगर रट्टा वेरिफिकेशन करोगे, रट्टा मारोगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, तो सारी क्लास देना मुश्किल हो जाएगी आपकी। रट्टा वेरिफिकेशन मत करो, रट्टा वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ अकाल में आके रट्टा वेरिफिकेशन मत करो, रट्टा वेरिफिकेशन नहीं है, डेबिट में ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट में ऑल द इनकम, एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस, सर सैलरी सैलरी टू वर्कर्स यहां पे आएगी, अरे नहीं, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर, सैलरी अकाउंट पेड टू पार्टनर, जनरल रिजर्व आफ्टर द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैलेंस गिव टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट होने के बाद जो हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं उससे हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट में चला गया, प्रॉफिट का इतना हिस्सा सैलरी में चला गया, प्रॉफिट का इतना हिस्सा रिजर्व में चला गया, और ये इंटरेस्ट ड्राइंग हमने पार्टनर से वापिस लिया, और ये बचा हुआ हमने प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया। इट्स वेरी सिंपल अकाउंट, ये बहुत सिंपल है, बस छोटी सी बात याद रखना, यहां हमेशा नेट प्रॉफिट क्या आता है बिफोर एप्रोप्रिएशन, किसी किसी क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको आफ्टर एप्रोप्रिएशन भी दे देगा, याद रखना यहां नेट प्रॉफिट हमेशा कौन सा आएगा, बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई समझाने के लिए कि इस टॉपिक में है क्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम आगे बहुत आगे जाने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा टाइमिंग आपके समझो कि इन दो क्वेश्चन में है क्या। तो आप इस वीडियो में, इस वीडियो तक सिर्फ दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और जो मैंने आपको पहले सिखाया उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाता हूँ, फिर आपको दो तीन क्वेश्चन आगे और करवाता हूँ, और फिर आपको होमवर्क भी दूंगा करने के लिए, ताकि आप घर बैठ कर कर सको, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सको। वीडियो को देखने के बाद मुझे रिप्लाई किया करो, मुझे पता लगे, ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, मैंने कभी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाले, मैं यूट्यूब पे जाके पैसा कमाने के मकसद से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। लॉकडाउन की स्थिति है, मेरे पास सारे के सारे इंप्लीमेंट सब कुछ नहीं था, मैंने बहुत कुछ अरेंज किया है यहाँ वहां से, इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करो कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तब भी पूछो, आप व्हाट्सएप में मेरे साथ हो, मेरे ग्रुप में हो, जो नहीं है वो भी मेरे ग्रुप में एड हो सकते हैं, और आप आ जाओ और हम देखें उसको अच्छे से पढ़ाई करें शुरू से,
कोई भी डाउट लेके दिमाग में नहीं चलना, किसी भी डाउट को लेके दिमाग में आप नहीं चलना, ठीक है जी। तो चलो इन दो क्वेश्चंस को करो और मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ, फिर आगे दो तीन क्वेश्चंस में और आपको करवाता हूँ। ओके जी।